नमस्कार, चार झारखंड में आपका स्वागत। में राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां विधायक अंबा प्रसाद पर ईडी का शिकंजा कसा है। बड़का गांव विधायक के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। रांची स्थित अंबा के आवास पर छापेमारी की गई है। अंबा प्रसाद के आवास पर ईडी की दबिश देखने को मिली है। झारखंड के 17 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। अंबा के रिश्तेदारों के घर भी छापेमारी की गई है। रांची और अन्य जिलों में सर्च ऑपरेशन जारी है। अवैध खनन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई यह हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग लोकेशन पर अंबा प्रसाद के खिलाफ ईडी की टीम ने दबिश दी है। झारखंड के 17 लोकेशन पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रांची और अन्य जिलों में यह सर्च ऑपरेशन जारी है। अवैध खनन से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला, और इसी मामले को लेकर के ईडी की टीम पहुंची है और बड़ी कार्रवाई की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। तो कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के आवास पर इस वक्त ईडी के अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं। रांची के धुरवा स्थित आवास पर ईडी के अधिकारी सुबह 8 से 8:30 बजे के करीब पहुंचे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता ओम प्रकाश। झारखंड में ईडी एक बार फिर हरकत में नजर आ रही है, और इस वक्त मैं जिस आवास के बाहर खड़ा हूँ, ये कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद का आवास है। और बड़का गांव से अंबा प्रसाद विधायक हैं, और उनका ये आवास, और ये सामने आप देख सकते हैं कि उनके का नेम प्लेट है, सुश्री अंबा प्रसाद विधायक बड़का गांव F44 Sector 3 धुरवा रांची। अंदर जो आवास है, जो जानकारी आई उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि इस वक्त यहाँ ईडी के अधिकारी मौजूद हैं और अंदर जांच पड़ताल चल रही है, पूछताछ हो रही है, कई तरह के कागजात खंगाले जा रहे हैं। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यहाँ 8 से 8:30 बजे के करीब ईडी के अधिकारी पहुँचे थे। आपको ये भी बता दें कि कल विधायक अंबा प्रसाद यहीं रांची में थी, झारखंड मंत्रालय भी पहुँची थी। शाम के वक्त मेरी उनसे बातचीत भी हुई। सुबह अगर आप बात करें तो जो विधानसभा में राज्यसभा चुनाव को लेकर नामांकन किए जा रहे थे, वहाँ भी अंबा प्रसाद मौजूद थी। और जो अंदर आप गाड़ी देख पा रहे होंगे, काली रंग की जो गाड़ी है फॉर्चूनर, वो हम आपको फिर से एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि इसी कैंपस के अंदर खड़ी है। अगर आप अंदर गौर से देखें तो इस वक्त यहाँ पर एक गाड़ी आपको खड़ी दिखाई देगी। यहाँ ये गाड़ी आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ अंबा प्रसाद मौजूद हैं। और यहाँ यह भी सूचना आ रही है कि न सिर्फ अंबा प्रसाद बल्कि उनके जो रिश्तेदार हैं, जो जानकार हैं, उनके मुताबिक अगर हम बात कर लें तो यहाँ न सिर्फ इस रांची के आवास में बल्कि इनके जो रिश्तेदार हैं उनके आवास पर भी इस वक्त ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। और ये देखना होगा कि जो जांच शुरू हुई है ये कितने घंटे की जांच होती है, इसके पीछे कौन से कारण है। क्योंकि आप अगर लगातार झारखंड के अंदर देखें तो चाहे वो ज़मीन से संबंधित मामले रहे हों, चाहे वो जिस तरह से जो जानकारियां आ रही हैं, अगर इनके इलाके की बात कर लें और उस इलाके में कोयला खनन की बात होती है, आपको याद होगा कि साहिबगंज में भी जो खनन को लेकर मामले सामने आए थे उस पर भी कई जो कर्मी हैं, लोग हैं, उनको गिरफ्तार किया गया था। बाहर जो दो गाड़ियां खड़ी हैं, इसी दो गाड़ी पर ईडी के अधिकारी यहां पहुंचे थे। और अंदर जो है वो सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद हैं, महिला सीआरपीएफ के बटालियन को भी बुलाया गया है, उनके भी जवान मौजूद हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अंबा प्रसाद की जब गाड़ी यहाँ खड़ी है, और कल जो शाम तक, देर शाम तक की जो जानकारी आई उसके मुताबिक अंबा प्रसाद यहीं रांची में थी। तो अब ये देखना होगा कि इस वक्त जब ईडी के अधिकारी अंदर हैं तो क्या अंबा प्रसाद यहाँ मौजूद हैं या वो पहले ही यहाँ से निकल चुकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद के रांची और हजारीबाग स्थित आवास पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईटी की छापेमारी को लेकर गोमिया से आजसू विधायक लंबोदर महतो ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि एजेंसियां कानून के तहत काम करती हैं, इसमें दुरुपयोग की कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। भारत सरकार की एजेंसी है, जो भी एजेंसियां हैं वो कानून के तहत काम करती है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो। तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति, हर एजेंसी जो कानूनी रूप से
सक्षम है तो कानून के तहत कानून अपना काम करता है। जहाँ तक बात है दुरुपयोग कर रहे का तो दुरुपयोग की कोई बात नहीं है। अगर आप गलत कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से जो गलत है उनको तो निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। आप भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों को अभी देखें, कई झारखंड में इस तरह से प्रकरण है। आप एक भी उदाहरण आप बता दें कि जहां ईडी ने कार्रवाई किया और ईडी को साक्ष्य नहीं मिले। ईडी कहीं पर जाती है करोड़ों रुपया आपका मिलता है उसको साक्ष्य के रूप में, तो इसको गलत आप कैसे कह सकते हैं। तो निश्चित रूप से भारत सरकार की एजेंसी कानून के तहत काम कर रही है और कानून से ऊपर कोई भी संस्था या कोई व्यक्ति नहीं है। कानून का सम्मान करना चाहिए, वो संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हो या आम आदमी हो, हर व्यक्ति को कानून का सम्मान करना चाहिए और कानून अपना काम करे। और रांची से संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश, जिस तरीके से जो नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके ऊपर लगातार इन केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई जारी है, प्रसाद को लेकर के क्या खबर सामने आ रही है, कहां कहां पर गड़बड़ियां सामने आई, अनियमितताएं सामने आई और कहां कहां किस लोकेशन पर ये कार्रवाई जारी है ईडी की? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए अंबा प्रसाद की तो विधायक हैं कांग्रेस की और कहीं ना कहीं इनका नाम जो है वो कई मामलों में जो है उभर कर पहले भी सामने आ चुका है। हालांकि इस मामले को लेकर अगर जानकारी जो है उसके अनुसार जो अंबा प्रसाद हैं उनके आवास पर जो इस वक्त ईडी की छापेमारी है वो कहीं ना कहीं बालू और जो जमीन है उससे रिलेटेड मामले को लेकर ये जो छापेमारी है, ये जो दबिश है, ये पूरी तरह से दी जा रही है। फिलहाल देखना होगा कि अब इस जो गहन जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, लेकिन स्पष्ट तौर पर जिस तरह से ये नकेल जो कसी जा रही है वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की भी मुश्किलें जो है आने वाले दिनों में बढ़ा सकती है, क्योंकि कुछ ही दिनों में हेमंत सोरेन के खिलाफ भी जो चार्जशीट है वो ईडी को जो है वो दायर करनी है और उस चार्जशीट में इन तमाम चीजों की जो छापेमारी में जो भी बरामदगी होगी कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड भी जानकारियां ईडी को मिल सकती है और कहीं और यही वजह है कि आज जो छापेमारी की जा रही है वो काफी अहम मानी जा रही है। जाहिर तौर पर न सिर्फ अंबा प्रसाद बल्कि एक जमीन से जुड़े हुए मामले में अगर कहे तो एक सीओ है शशि भूषण सिंह, उनके आवास पर छापेमारी। शंकर आनंद भी हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हैं। शंकर, आपके पास क्या अपडेट है इस कार्रवाई को लेकर, क्योंकि झारखंड के 17 लोकेशन पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, दिल्ली से क्या खबर? देखिए, आज का जो सर्च ऑपरेशन है वो हमारे सूत्र बताते हैं कि तकरीबन 1.5 दर्जन लोकेशन पर आज इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और जिस तरह से अवैध तौर पर एक्सट्रोशन करने का जो कुछ ऐसे जो इश्यूज हैं, जो ऐसे मामले जो है निकल के वो सामने आया था झारखंड में और जिसमें जो विस्तार से तफ्तीश किए गए, तो उसके बाद झारखंड के कुछ पॉलिटिशियंस का नाम सामने आया ऐसा हमारे सूत्र बताते हैं। और इसी मामले पर जब तफ्तीश की गई तो खनन से जो अब जो एक मामला है वो सामने आया और इसके साथ ही ये भी पता चला कि उन्हीं आरोपियों का जो प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित जो काम है उसमें भी उसकी जो भूमिका है वो निकल के सामने आया थी, यानी कि अवैध तौर पर उगाही करना, पैसों की वसूली करना, इसके साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के जो जो मामले हैं वो देखने को मिले थे। तो उन्हीं मामलों को आधार बनाते हुए जांच एजेंसी ईडी के द्वारा उस केस को टेक ओवर किया गया और इस मामले में जब तफ्तीश का दायरा बढ़ाया गया तो कांग्रेस की जो विधायक हैं अंबा प्रसाद उनका नाम सामने आया है और उसके बाद इस मामले में आज तकरीबन 1.5 दर्जन लोकेशन पर आज सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि देखिए, अंबा प्रसाद की अगर बात करें तो अंबा प्रसाद का नाम पहली बार जांच एजेंसी के रडार पर आया है और जिस वजह से आज सर्च ऑपरेशन किया गया है, निश्चित तौर पर आज देर शाम तक इस ऑपरेशन को अंजाम पूर्ण तौर पर अंजाम दिया जाएगा। बिल्कुल शंकर, इस पूरी कार्रवाई पर आप नजर बनाए रखिए और देखिए इसके साथ साथ हसारीबाग की अगर बात करें तो यहां भी हुरहुरे में विधायक अंबा प्रसाद के घर ईडी की टीम पहुंची है। हसारीबाग से क्या खबर है, सुशांत हमारे साथ जुड़ा है। सुशांत, हसारीबाग में भी टीम पहुंची है, वहां से क्या अपडेट आपके पास? देखिए, हजारीबाग के हुरहुरु आवास सिस्टम के जो आवास पर जो ईडी की कार्रवाई चल रही थी उसके बाद जो अचानक हलचल तेज होता है और ईडी की जो टीम है वो उनके जस्ट बगल की जो एक आवास है वहां पर चारों तरफ से जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है वो घेरे हुए हैं और जो है कई तरह की जो है पूछताछ की जा रही, मतलब हम कह सकते हैं कि हलचल जो है वो तेज देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम कार्यकर्ता की बात कर ले, क्षेत्रवासियों की बात कर ले तो आज जो है ये जनता दरबार लगाए हुए होते हैं, लोग जो है कई समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं
तो उनका मानना है कि यह राजनीतिक दृष्टिकोण से जो है या एक षड्यंत्र के तहत जो है इन पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन देखना लाजमी होगा कि जो कई तरह की बातें आ रही है सामने, जो कई खनन से संबंधित बात सामने आ रही है, इस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है और ईडी जो है क्या कुछ आगे साथ जुटा पाती है। जी चलिए शुक्रिया इस अपडेट के लिए सुशांत आपका। तो एक साथ 17 लोकेशन पर जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। ओम प्रकाश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, एक तो अवैध खनन का मामला सामने आ रहा है, जमीन को लेकर भी क्या हेरफेर की गई है? बिल्कुल, जमीन को लेकर भी काफी हेरफेर हुई है और पिछले दिनों अगर कहा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर, जमीन में ही हेरफेर मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी जेल जाना पड़ा है। तो वहीं अब इस मामले में एक नई कड़ी को जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि सीओ शशिभूषण सिंह के आवास पर भी छापेमारी है, तो अंबा प्रसाद के आवास पर भी। जो जानकारी है, शशिभूषण जो सिंह है वो उनके जो कई जगहों पर उनके द्वारा जो है वो जमीन में जो गड़बड़ी है वो की गई है, न सिर्फ रांची बल्कि हजारीबाग इलाके में भी उनके खिलाफ मामले हैं। एसीबी भी उनके आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच कर रही है। तो उसी मामले को ईडी ने टेक ओवर किया है और अब शशिभूषण सिंह जिन्होंने एक आलिशान मकान बनाकर रखा हुआ उनके आवास पर भी दबिश है। दूसरी तरफ अगर अंबा प्रसाद की बात की जाए तो काफी अगर इनका जो कोर माइंडेड है, पिछले दिनों अगर कांग्रेस की तरफ से जो सीट लोकसभा सीट मिलने की भी बात जो है वो सामने आ रही है कि हजारीबाग से उनके नाम की घोषणा हो सकती है, और पूरी तरह से अंबा प्रसाद का इलाके में भी दबदबा है। कई बार जो मामले हैं वो सामने भी आ चुके हैं, चाहे वो करप्शन के हों या फिर कई बातें जो हैं दबी जुबान में ही सही लेकिन बाहर तो आती ही रहती है। उसी को लेकर अब ईडी इस मामले में कुछ अहम सुराग ईडी को मिले थे, जिसके बाद अंबा प्रसाद के आवास पर न सिर्फ रांची बल्कि हजारीबाग और बड़का गांव के इलाके में भी दबिश दी है। अब पूरे मामले में देखना होगा कि इस तफ्तीश के बाद ईडी के पास क्या कुछ निकलता है। बिल्कुल प्रकाश, इस पूरी कार्रवाई पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो ईडी ने हजारीबाग से बड़का गांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर पर छापेमारी की। दरअसल कांग्रेस विधायक के खिलाफ ईडी के रांची जोनल ऑफिस में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत की गई थी। आपको बता दें कि हजारीबाग के हुरहुर में विधायक अंबा प्रसाद के घर ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशांत सोनी। हजारीबाग के हुड़ू स्थित बड़का गांव कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के आवास पर अहले सुबह से ईडी की कार्रवाई चल रही है। अभी हम वहीं पर मौजूद है जहां पर अहले सुबह से कार्रवाई चल रही है। आपको बताते चले कि ईडी की जो लगभग एक दर्जन से भी अधिक की संख्या में जो सदस्य हैं उनके द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए। दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले तो इनके जो करीबी बताए जा रहे हैं उनके यहाँ भी जो है वो कार्रवाई चल रही है। आखिर इसका क्या कुछ वजह है अभी तक यह सामने स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन सुरक्षा के मानकों से जो है लोगों का आवागमन पर भी जो है रोक लगा दी गई है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे क्या लगता है भैया कहाँ से आए हैं। हम बड़का गांव विधानसभा से आए हैं, केरेडारी प्रखंड से, पंचायत बारियातुर से। मेरा नाम ईश्वर राम हुआ। हम विधायक आवास कुछ काम लेकर आए थे, क्योंकि एक हमारा करीबी रिश्तेदार हॉस्पिटल में भर्ती है, उनको थोड़ा सा ट्रीटमेंट के लेकर के आए हैं। तो यहाँ देख रहे गेट बंद है और पता चला कि ईडी का छापा पड़ रहा है, तो हम लोग को कहीं ना कहीं लगता है ये जालसाजी है। क्योंकि अभी कुछ ही दिनों बाद जो है लोकसभा का चुनाव है, उसी को मद्देनज़र जो है सो बीजेपी का या हथकंडा बोलिएगा जो किसी तरह से जालसाजी करके इनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। साफ तौर पर कहीं जो लोकसभा चुनाव है इसको लेकर ये जो स्थानीय लोग है या यूं कह लें इनके जो क्षेत्रवासी है, इनका आरोप है कि एक जालसाजी के तहत इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन देखना यह लाजमी होगा कि क्या कुछ ईडी को जो है वो कागजात हाथ लग पाते और आगे की जो है वो क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। बढ़ते आगे, रांची बनारस वंदे भारत को सुबह करीब 9:38 पर पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई। इसके बाद रांची बनारस वंदे भारत अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गई। बता दें कि ट्रेन को लेकर रांची रेलवे स्टेशन पर यात्रियों में गजब का उत्साह देखने को मिला। ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों से बात की हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। उल्लास का क्षण, हर्ष का क्षण, आनंद का क्षण।
भारत वंदे भारत रांची स्टेशन से रवाना होने ही वाली है कि किस तरीके से जो लोग ट्रेन पर सवार हैं बेसब्री से ट्रेन के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। कहाँ तक जाना है आप लोगों को? बनारस काशी विश्वनाथ तक। तो मन बना लिया था कि पहले सफर का गवाह बनना है? जी जरूर जरूर, पहले से ही मन बना के रखा था कि पहले सफर का गवाह बनना है और काशी विश्वनाथ का दर्शन करके आना है। क्या मतलब वंदे भारत को लेकर प्लानिंग की या पहले से प्लानिंग थी? नहीं नहीं, वंदे भारत को लेकर प्लानिंग थी। आम ट्रेन पर जो बैठती हैं उसका सफर वंदे भारत का सफर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। पहली बार वंदे भारत पर बैठे हैं? जी पहली बार बैठे हैं। देखिए पहली बार सफर पर हैं, उधर रांची बनारस वंदे भारत पर बच्चे भी हैं, बोल रहे हैं कि बच्चों के अब एग्जाम खत्म हो गए हैं, अब वंदे भारत का सफर सीधे काशी विश्वनाथ का दर्शन। बाबा से दर्शन अचानक संयोग बना, अब आराम से चल दिए। बाबा से मुलाकात करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बाबा से मुलाकात करेंगे वहाँ पे। तो पूरे परिवार के साथ? पूरे परिवार के साथ। मतलब शुरू है कि अब तुरंत ही कुछ ही मिनटों में वंदे भारत रांची रेलवे स्टेशन से बनारस ले रवाना हो जाएगी। जाहिर है कि जो लोग इस सफर के पहले सफर के गवाह बनने जा रहे हैं पूरी उम्र उनके जहन में ये यादें ताजा रहेंगी। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रांची बनारस वंदे भारत के शुभारंभ को लेकर रांची रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए और बीजेपी एमपी एमएलए और जेएमएम विधायक भी शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि देश तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और वंदे भारत विकास की इसी यात्रा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वहीं जेएमएम विधायक दीपक बिरुआ ने वंदे भारत के शुभारंभ को लेकर पीएम मोदी और सांसद संजय सेठ को धन्यवाद दिया। संजय सेठ जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। पिछले दिनों जो कार्यक्रम हुई थी उसमें उन्होंने ये घोषणा किया था कि बहुत जल्द इस चीज को भी हम लोग पूरा करने का काम करेंगे और उसमें इस काम को पूरा किया है। इसके लिए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी और रेलवे मंत्री जी को भी बहुत बहुत इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। We all say to them, we will get more and more Vande Bharat train when the first train was inaugurated. Most of us did believe that in such a short span we will get access to Vande Bharat trains, and today we are having the third Vande Bharat train. पीएम मोदी आज सीसीएल बड़का से अलेरिया के न्यू बिरसा में गति शक्ति टर्मिनल के तहत करोड़ों रुपए की लागत से बने रेलवे साइंटिंग का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। बता दें कि इस साइंटिंग से प्रतिदिन 5 रैक के माध्यम से 20,000 टन कोयले को डिस्पैच किए जाने की योजना है। साइंटिंग से उड़ने वाला कोल डस्ट का भी ख्याल रखा गया है। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जावेद खान। गति शक्ति टर्मिनल के तहत बनाया गया है और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि बिरसा एरिया के जो कोल है उसका इवैक्यूएशन तेजी से हो सके, इस एरिया का विकास हो सके और हमारे देश के जो पावर प्लांट्स है वहाँ पर तेजी से। रेलवे द्वारा गति शक्ति के तहत सीसीएल बड़का सयाल एरिया के न्यू बिरसा नॉर्थ उरीमारी में यहाँ पर रेलवे साइडिंग का निर्माण कार्य कराया गया है। यहाँ से प्रतिदिन 3 रेक कोयले का डिस्पैच किया जा रहा है। लगभग 12,000 टन कोयले का डिस्पैच अभी किया जा रहा है। आने वाले समय में यहाँ से लगभग 5 रेक कोयले का प्रतिदिन डिस्पैच किया जाएगा, यानी कि 20,000 टन कोयले का यहाँ पर डिस्पैच किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रेलवे साइडिंग का ऑनलाइन उद्घाटन अभी कुछ ही देर बाद करने वाले हैं। यहाँ पर पर्यावरण को नियंत्रित करने के हेतु बहुत सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं, जैसे कि वाटर स्प्रिंकलर है जो 27 है और आपका ये बाउंड्री वाल जो किया हुआ है जीआई सीट से किया हुआ है जिससे कि धूल कण जो है बाहर न जाए। काफ़ी व्यवस्थाएं यहाँ की गई है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए यहाँ स्प्रिंकलर वाटर स्प्रिंकलर लगाया गया है, साथ में वाटर टैंकर के द्वारा यहाँ छिड़काव होता है और एक प्रदूषण का ये मशीन बैठा हुआ है। प्रदूषण मुक्त जो है रेलवे साइडिंग है, यहाँ से कोयले का अभी फिलहाल 3 रैक डिस्पैच हो रहा है। आने वाले समय 5 रैक यानी कि 20,000 टन प्रतिदिन कोयले का डिस्पैच राष्ट्र के विभिन्न थर्मल पावरों में किया जाएगा। इसे अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।